ओके सो क्लास, इन प्रीवियस लेक्चर जो हमारे दो हुए थे, इनमें से एक लेक्चर में हमने सबसे पहले तो डिस्कस किया था कि पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली है क्या. हमने उसका स्कोप देखा था, उसके मुख्तलिफ उसके फेजेस देखे थे, किस तरह इवॉल्व हुआ और तमाम चीज़ें. देन हम हमारे जो फर्स्ट लेक्चर का जो कल्मिनेशन पॉइंट था वो ये था कि इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हुए मुख्तलिफ तरह की फील्ड ऑफ इंक्वायरीज जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. इन दोज फील्ड ऑफ इंक्वायरीज हमने उनको सामने रखते हुए सबसे पहले आइडियलिज्म की थ्योरी को देखा था. उसकी मैंने आपको स्लाइड्स के साथ लिंक्स और तमाम रेफरेंसेस जो थे वो भी प्रोवाइड किए थे. आइडियलिज्म की जो बेस थी ना वो ये पॉइंट था कि ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी है और अपनी जो एक एथिकल वैल्यूज की वजह से इंसान एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से जो इंस्टीट्यूट है फॉर हार्मनी फॉर कॉपरेशन वो इस मकसद के लिए उन इंस्टीट्यूट को डेवलप कर रहे होते हैं. हमने ये चीज़ देखा कि किस तरह से जो आइडियलिज्म था वो इवॉल्व हुई, उसका पीक टाइम आया और लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आइडियलिज्म ने उस इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन के दौरान होने वाले टस्सल को रीजन काउंट किया और दोबारा से उन्होंने कहा कि क्योंकि कोई बात नहीं, मसले मसाइल हो जाते हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वो जो सोल्यूशन था उसके लिए उन्होंने कहा कि चूंकि हार्मनी इज द की थिंग, कॉपरेशन इज द की थिंग, व्हाई नॉट टू डेवलप एन इंस्टीट्यूट. वो जो इंस्टीट्यूट था वुड्रो विल्सन की आइडियलिस्टिक अप्रोच की को बेस बना के बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस. उसने इंटरवॉर पीरियड में अराउंड 21 ईयर्स तक काम किया. लाइक 1918 के तक आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही और 1919 से लेके 1938 तक, 1938 तक लीग ऑफ नेशंस ने काम किया था. लेकिन हम ये देखते हैं कि आइडियलिज्म बहुत ज्यादा एक ऐसी यूटोपियन वर्ल्ड में रहने वाले लोग थे, ऐसी दुनिया में रहने वाले लोग थे कि जिन्होंने बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्लैश ऑफ आइडियाज थे, जिसमें ये चीज था कि ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली लस्ट पे डिपेंड करती है. उसको किसी ना किसी चीज का लालच होता है और फॉर गेनिंग ऑल दोज गोल्स वो अपना तो नुकसान करेगा ही करेगा, दूसरे को भी डैमेज किए बगैर रह नहीं सकता. ठीक है, हमने ये देखा कि वो जो वुड्रो विल्सन की जो एक थ्योरी की बेस पे पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया और तमाम चीजें जिस तरह से चली वो सब कुछ शॉर्ट टाइमली था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन हुई और जितनी चीजें, जितने इंस्टीट्यूट, जितनी खुशफहमियां उन्होंने पाल रखी थी वो एकदम आपकी कोलैप्स कर गई. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ये चीज रियलाइज हुआ कि ह्यूमन नेचर जो है जिस तरह से आइडियलिस्ट ने कही थी बात वो वैसी नहीं है. फ्रॉम द एशेज ऑफ लिबरल अप्रोच, फ्रॉम द एशेज ऑफ आइडियलिस्टिक अप्रोच, एक नए स्कूल ऑफ थॉट ने जन्म लिया जिसका नाम रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, रियलिज्म के ऊपर बेस्ड था. नाउ क्वेश्चन इज कि रियलिज्म इटसेल्फ है क्या. इसको डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू अवर स्लाइड realism is considered as the most dominant school of thought in international relations and its significance come into limelight soon after second world war jis waqt decline hua tha idealism ka. ek baat yaad rakhiye, ek school of thought ka jis waqt decline aata hai to basically ye reason nahi hoti ki wo totally duniya se khatam ho gaya, nahi wo apni kyunki kaha jata hai na ki agar kisi cheez ko zawal aaya hai, kisi cheez mein kuch kami aati hai to aap dobara effort karte ho. तो आइडियलिस्ट जो थे वो लिबरल अप्रोच के साथ न्यू आइडियलिस्ट करके सामने आए थे. लेकिन जिस वक्त वो न्यू आइडियलिस्ट आए स्टिल उनका पॉइंट, उनका एजेंडा वही है. इंटरनेशनल रिलेशंस में जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ेंगे अगर उनमें कोई फॉल्ट्स आते भी हैं तो वो अपनी उन फॉल्ट लाइंस को कवर करते हैं मजीद जो आपके जमाने की जो तब्दीलियां उनके साथ. लेकिन जो रियलिज्म था इसकी भी हिस्ट्री आपको पैरेलल टू आइडियलिज्म ही मिलेगी. हमने पढ़ा था कि उसका स्टार्ट होता है प्लूटो टाइम पीरियड से. ठीक है ना, मतलब वो ग्रीक सिटी स्टेट सबसे पहले किसने किया था, किस तरह से चीजें चली, क्योंकि जो आइडियलिस्ट थे उसकी बेस हमें मिलती है एथिकल वैल्यूज में और एथिक्स पे, एपिस्टेमोलॉजी पर सबसे ज्यादा काम जो था वो ग्रीक्स ने, सोक्रेटिस ने और
प्लूटो ने सबसे ज्यादा काम किया था। लेकिन उसके पैरेलल वर्ल्ड में एक और दुनिया थी चाइनीज वर्ल्ड में, सुनजू के नाम से। सुनजू वाज बेसिकली अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एंड ही वाज आल्सो काउंटेड एज द एंशिएंट रियलिस्ट फाउंडर ऑफ द चाइनीज वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं जैसे आपको साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पर दे रही हूँ। हम फर्दर वैसे जाके आगे रियलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर ग्रीक टाइम पीरियड में 400 बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम था उसमें आइडियलिस्ट अप्रोच जो थी वो डेवलप हो रही थी, तो रियलिज्म भी ऑलमोस्ट उसके पैरेलल वर्ल्ड में उसी टाइम पीरियड में जिस वक्त ग्रीक्स ने अपनी वो तमाम फिलोसफीज पेश की थी, रियलिस्ट अप्रोच जो था वो भी डेवलप हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर हम देखें कि असल में ये है क्या चीज रियलिज्म, तो क्वेश्चन ये कहा अगर किया जाए ना कि ये डेफिनेटली देखिए तमाम चीजें जो है ना आपकी पावर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सवाल आएगा क्या जो स्टेट्स हैं उनकी एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर जो है टुवर्ड्स द ईच अदर और टुवर्ड्स विद इन द स्टेट, क्या रियलिज्म हो सकता है। मतलब सवाल होगा ना कि क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज अबाउट स्टेट, तो वो जो रियल पॉलिटिक्स है या जितने भी आपके काम चल रहे हैं वो मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है। बेसिकली इसका जवाब ये होगा कि ऑल रियलिस्ट शेयर दिस बिलीव दैट स्टेट्स आर यूनिटरी रैशनल एक्टर्स and they are motivated by desire of power and security rather than ideals or ethics jo ki idealist school of thought ki approach thi. aur jo basic punchline tha wo against tha idealist ka. idealist ne kaha tha human nature bahut achhi hai, jabki realist ne ye kaha ki human nature is very much selfish, it's cunning, it's rude and it's prone towards killing each other, it's prone toward violence. insaan ko mauka mile insaan agle ko jeene na de, मुक्का मार के उसकी नाक तोड़ सकता है। मतलब इट्स वेरी मच टुवर्ड वायलेंस। तो रियलिस्ट ने ये कहा था कि जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि इंसान इतना अच्छा भी नहीं है जितना आइडियलिस्ट ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अपने इन पर्सनल गेन्स के लिए, अपने इन कॉन्फ्लिक्चुअल आइडियल्स के लिए को गेन करने के लिए इंसान अपनी कॉम्बिनेशन बनाता है, इंसान अपनी कम्युनिटी बनाता है। देखें जहाँ कहीं आपके किसी के साथ मुफाद होंगे, आप सब लोग इस वक्त बीबीए सिक्स सेमेस्टर के बिजनेस के स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना, तो बिजनेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि योर टाइम इज योर मनी, ठीक है ना। तो आपने अगर कम टाइम में मैक्सिमम गेन करना है तो डेफिनेटली यू विल go towards those ideas के जिसमें आपको आपका फायदा मिले। ये जो एक अप्रोच होती है ना कि हमें सब कम टाइम में सबसे ज्यादा फायदा कहाँ से मिल सकता है, बेसिकली इट्स अ रियलिस्ट अप्रोच। अगर हम फर्दर इसकी मतलब जब स्टेट्स की इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाते हैं तो हमें ये चीज मिलती है कि स्टेट्स ने अपने पर्सनल गेम जो रियासतों के गेम्स होते हैं उनके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगी। सो बेसिकली इसी चीज से हमारे पास दो इसी की फर्दर जो रियलिज्म है इसकी कैटेगरी सामने खुल के आई, जिनमें से एक का नाम ऑफेंसिव रियलिज्म था और दूसरे का नाम डिफेंसिव रियलिज्म था। फर्दर ये क्या चीजें हैं हम आगे जाके इसी काइंड कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे डिटेल से। रियलिज्म वैल्यूज ऑर्डर एंड डज नॉट वेलकम चेंज। अब ये एक चीज थी कि जो उस वक्त 1945 के बाद एक इमेज बन के आया कि ये हर चीज को उन्होंने कह दिया कि ह्यूमन नेचर चूंकि बुरी है तो वो बुरी है, हर इंसान के अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, हर इंसान के अंदर बुराई मौजूद है। लेकिन ये इसका जो लास्ट पॉइंट है ना ये बाद में 1960s 1970s में होने वाले इवेंट्स के बाद ये चीज चेंज हुई थी। रियलिज्म बेसिकली किसी चीज को ठहराव आता है ना, जहाँ कहीं कोई चीज साकित आ जाती है इसका मतलब है वो चीज खत्म हो गई है। तो इनका ये पॉइंट जो था इनको कहीं ना कहीं इसने डैमेज किया था। फर्दर हम जब आगे जाएंगे तो फिर मैं इस चीज को इसी पॉइंट को कि रियलिज्म जो है दे एक्चुअली वैल्यूज ऑर्डर एंड डज नॉट चेंज, इस पॉइंट को हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म की बात करें तो थ्योरी ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस हैव बीन डेवलप्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द फेमस पॉलिटिकल
फिलोसफर्स या उनकी जितनी थी, थ्यूसिडाइस का सबसे पहले नाम मिलता है, वो काउंटेड एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल। और ये थ्यूसिडाइस जो था ये ग्रीक वगैरह से भी कोई 1000 साल पहले आया था, ठीक है। देन सुनजू, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स एंड आफ्टरवर्ड ईएच कार, और ये तमाम लोग जो 1930s तक रियलिज्म को लेके चले। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो फाउंडर था थ्यूसिडाइस, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। थ्यूसिडाइस इज पोर्ट्रेड एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर। पेलोपोनेसियन बेसिकली ये आपने एथेंस का नाम सुना होगा, आपने स्पार्टन्स का नाम सुना होगा। तो जो एथेंस और स्पार्टन्स की जंग जिस जगह पर हुई थी, दैट वाज पेलोपोनेसिया, ठीक है। और पेलोपोनेसियन वॉर के नाम से वो जंग जानी जाती है, जिसमें दो फरीक जो थे वो स्पार्टन्स और एथेंस थे। तो उसने उसके ऊपर किताब पूरी लिखी थी, और उस चीज में उसने फर्स्ट टाइम मेंशन किया था कि व्हाट वर द कोर रीजंस बिहाइंड वॉर और द क्लैश बिटवीन टू एंटिटीज। तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट जो रीजन थी ना, वो ये थी कि एथेनियंस जो थे, एथेंस के जो लोग थे, दे वर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर पावर। और इस चीज का खौफ स्पार्टन्स को मजबूर कर रहा था कि वो अपने आप का बचाव कर सके। सो बेसिकली इट वाज सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी की इनसिक्योर सिक्योरिटीज थी। आपके अंदर कुछ मसाइल आ जाते हैं कि आपको तो जी इन मसलों से निकलना है, तो इससे पहले कि कोई आप पे हमला करे, आप उनकी जंग की तैयारियां शुरू करें। सो अपना दिफा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टेट भी ये नहीं चाहेगी, ये कोई इंसान नहीं चाहेगा कि वो खौफ में रहे। तो उस फियर से निकलने का नाम भी रियलिज्म था। देन नेक्स्ट हमारे पास जो थियोरिस्ट है, ही इज मैकियावेली। इसकी बहुत फेमस एक किताब है प्रिंस, मैं उसका भी थोड़ा सा हवाला दूंगी आपको। Realism of Thucydides became so popular that until early 1500s, no person could share the status of Thucydides. He was not even a known person. In those times, Machiavelli was widely condemned for his cyclic advice on the way of the government should be conducted. Basically, Machiavelli was a retired military officer, and other than military officer, he also served as a with the bureaucracy. And bureaucracy ko serve karne ke duran, इसने जो मिलिट्री एक्सपीरियंसेस थे अपने, वो जो फ्लॉज उसको जंग के मैदान में नजर आए थे, जिसकी जो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की साइड से थे, जिनका खुमियाजा, मतलब डेफिनेटली एक चीज होती है कि अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी की गलतियां होंगी, अगर वो चीजों को पीसफुली रिजॉल्व नहीं करेंगे तो जंग की तरफ जाएंगे। जंग होती है तो आपको डबल नुकसान उठाना पड़ता है। सो बेसिकली इसने चूंकि दोनों साइड एक्सपीरियंस की थी, इस वजह से मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी द प्रिंस, और उसने क्लियरली इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था, बताया था वो फ्लॉज के जो हुकूमत के अंदर मौजूद है या स्टेट जिनकी वजह से नुकसान उठाती है। सो मैकियावेली को इसी चीज की वजह से ब्यूरोक्रेसी से भी निकाल दिया गया था, और क्योंकि उसके जो आइडियल्स थे ना, जो उसके पॉलिसीज थी, वो जो उसके पैगाम थे, वो उन फ्लॉज की तरफ उसने निशानदेही की हुई थी कि जो सिस्टम में होने की वजह से स्टेट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे द प्रिंस से एक हवाला आपको देती हूँ। प्रिंस में जो उसका चैप्टर 2 है, ठीक है, दैट इज अबाउट हेरिडिटी प्रिंसिपैलिटी। हेरिडिटी प्रिंसिपैलिटी इज अबाउट कि जी आपका जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ना, उसमें कोई एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए विरासत का, कि आप एक बाप जो है वो हाकिम है, उसका बेटा भी हाकिम होगा। जबकि अगर हमें पता है कि उसके बेटे में कोई क्वालिटी नहीं है, उसके बावजूद कॉम्पिटेंट लोगों के होने के बावजूद इनकॉम्पिटेंट बंदा अगर पावर को कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर वो गलतियां भी करेगा, वो इन जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनका भी नुकसान करेगा, और उसके अलावा वो स्टेट को और अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। एंड डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में क्लैश भी क्रिएट होंगे और आपका नुकसान भी होगा। सो प्रिंस बेसिकली उस हाकिम की तरफ इशारा है कि जो तमाम आसाइशों का शिकार है, और उसे लोगों के बारे में पता नहीं है कि उसके लोग इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं और उनके असल मसाइल क्या हैं। उसके जहन में जंग के बारे में आया, जस्ट इंडल्ज योर आर्मीज, इस तरह नहीं हुआ करता। सो बेसिकली प्रिंस एक ऐश पसंद प्रिंस के बारे में था, जो रियल वर्ल्ड से दूर हो चुका था। उसके बाद थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स इज अ वेरी मच नॉन फिलोसफर हु वर्क्ड ऑन
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी एज वेल, और इसकी जो थियोरी थी वो रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस करती थी. इसकी जो दूसरी थियोरी थी ही वर्कड ऑन द बैलेंस ऑफ पावर. हम बैलेंस ऑफ पावर इंशाल्लाह ताला ईद के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, और हम फिर देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर किस तरह की चीज़ है. बट थॉमस हॉब्स का जो बेसिक काम था वो मॉडर्न सॉवरेन स्टेट सिस्टम में इसने रूलर एंड दोज हु आर बीइंग रूल्ड उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात किया था. क्योंकि थॉमस हॉब्स का जो जिस टाइम पीरियड पे ये बंदा आया था तब जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, वो जो उस वक्त की स्टेट थी, वो जो उस वक्त के रूलर्स थे, दे वर एक्चुअली वेरी मच क्रूअल. दे हैव ऑल द एब्सोल्यूट अथॉरिटीज. पब्लिक के पास कोई राइट्स नहीं थे, गुलामी थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल था, टैक्सेस बहुत ज्यादा अप्लाई होते थे. वो तमाम चीजें थी कि जिनको जिसमें जो पर्सन हुआ बीइंग गवर्न्ड उनका उनके पास कोई राइट नहीं था, ठीक है. जो हाकिम ने एक दफा बात कर दी वो अप्लाई हो गई. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या बैलेंस ऑफ पावर में ये चीज डिसाइड की थी हॉब्स ने अपनी थ्योरी के थ्रू, और इस चीज को उसने अपनी बुक 11th में भी प्रेजेंट किया था कि हर चीज में एक बैलेंस बहुत जरूरी है. और वो बैलेंस जो है ना उस वक्त की रियल पॉलिटिक्स या फिर पावर पॉलिटिक्स की जरूरी है, ठीक है. देन ईएच कार अगेन, ही वाज यू मे से ही वाज अ लिबरलिस्ट, ही वाज एन आइडियलिस्ट जिसने वर्ल्ड वॉर वन के डिक्लाइन के बाद उस सिस्टम को देखा. देन ही एक्चुअली reverted from all those thoughts, और उसके बाद ही joined systematic approach to realist school in which he criticized the liberalist as well. मतलब पहले जिस school में था वहाँ से इसने खुद को revert किया था. अपनी किताब 20 years of crisis, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि first world war और second world war के दरमियान total 20 साल का अरसा बनता है 1918 से लेके 1938 तक, तो उसकी किताब भी almost इसी चीज पे थी 20 years of crisis में. बेसिकली जो इंटरवॉल पीरियड था ये यूरोपियन ग्रेट रिसेशन का भी पीरियड था. पूरे यूरोप में बहुत बुरे तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन आया था. लोगों के पास पैसा नहीं था, स्टेट्स के पास पैसा नहीं था, क्योंकि जंग जो है वो बहुत कॉस्टली चीज है. और इस चीज के बाद उनको रियलाइज हुआ था कि अब मजीद जंग नहीं लड़नी. लेकिन अपनी इस किताब में उसने ये चीज क्रिटिसाइज की थी कि जो रियलिस्ट हैं उनका एम्फेसाइज ही गलत है. देन रियलिज्म की उसने जो आइडियाज प्रेजेंट किए थे, अपने कुछ फैक्ट्स एंड डाटा जो था अपने जितने भी वॉर के दरमियान और इंटरवॉर पीरियड के वजूहत उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन सबका एक एनालिसिस प्रेजेंट किया था. उसने कुछ रीजंस बताई थी कि नेशंस क्यों लड़ने की तरफ आ जाती हैं. अब यही चीज जो ईएच कार की है फर्दर हमें जाके, पहले हमने बात की थी ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म. बेसिकली वो कहीं ना कहीं यही इसके एनालिसिस के जो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके रिजल्ट में निकला था. थोड़ा सा हम वहां पे भी उस चीज का टच देंगे. लेकिन ईएच कार के बाद अगला हमारा जो थियोरिस्ट है हेंसे मोगेंथो. और मोगेंथो वॉज नॉन फॉर द सिस्टमाइजिंग क्लासिकल रियलिज्म. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द पॉलिटिक्स अमंग द नेशन. रियासतों के दरमियान वजूहत क्या होती हैं, हर रियासत के अपने कुछ मुफाद हैं, और उन मुफाद मेरे जिस तरह दस फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ रीजन्स हैं, कुछ आपके रीजन्स हैं, एंड वेन एवर वी इंटरेक्ट तो हमारे उन रीजन्स में हमारे उन इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं क्लैश आएगा. और अपनी इस किताब में उसने यही चीज लिखी हुई है कि जब वो क्लैश क्रिएट होता है तो वहां पर स्टेट के दर को या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं तो वो क्लैश जो है वो ब्लडी क्लैश में कन्वर्ट होगा. अच्छा, अपनी जो इस किताब में मोगेंथो ने थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रेजेंट किया और उसके कुल 6 पॉइंट्स थे. हमारा ईद के बाद जो पहला लेक्चर होगा बिफोर बैलेंस ऑफ पावर वो इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से होगा, जिसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इन्हीं तमाम चीजों को जो हम 6 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं को ही फर्दर डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है, कि मतलब ये चीजें किस तरह से आपस में खेलती हैं, आपस में किस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो क्या चीजें होती हैं. सबसे पहला जो पॉइंट था मोगेंथो का वो ये था कि आई आर इज गवर्न्ड बाय लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन द ह्यूमन नेचर.
ह्यूमन नेचर से इनकार नहीं है रियलिज्म को, लेकिन ह्यूमन नेचर के ऊपर जो हम स्टे ले रहे हैं उसके ऊपर इनका डिफरेंस है रियलिज्म और आइडियलिज्म के दरमियान। स्टेट्स हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू मैक्सिमाइज पावर, हर कोई ये चाहता है कि उसके पास जो चीज मौजूद हो ना वो दूसरे के पास मौजूद ना हो, ये एक इंसानी नेचर का हिस्सा है, और उसी चीज में वो अपने आप को इंक्रीज करना चाहता है। हर कोई आज के टाइम पे ये चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ठीक है। इसी तरह जब स्टेट्स के ऊपर ये वाली चीज आती है ना रियासतों पर, तो वो कहते हैं हमारे पास मैक्सिमम पावर हो, हमारे पास ये असलाह भी हो, वो असलाह भी हो, इतना हमारे पास डॉलर हो, हमारे पास मतलब बेतहाशा मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों एस्पेक्ट से वो कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स आर परमानेंट, तमाम स्टेट्स के परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। पाकिस्तान के भी हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे कौन कौन से इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन फर्दर ये चीज है कि स्टेट्स आर द ओनली एक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें इंसान नहीं होते, इसमें रियासतें होती हैं। हम विद इन स्टेट मुख्तलिफ इंसानों और रियासत या मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तो चीजें देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में जो जिनके दरमियान मसले होते हैं वो रियासतों के दरमियान होते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि इंडिविजुअल्स दरमियान में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल्स को बेस बना के स्टेट्स भी आपस में बीइंग एन एक्टर यूज होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ रुके मैं इसकी एग्जांपल दूंगी उसामा बिन लादेन की। अभी 2 मई गुजरी है, 2011 को उसामा बिन लादेन को अमेरिकन फोर्सेज ने अलेजली, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड अलेजली, कंट्रोवर्शियल तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था, ठीक है। रीजन वाज एन इंडिविजुअल जिसमें दो स्टेट्स जो थी वो इन्वॉल्व हो गई थी, स्टेट वन वाज द पाकिस्तान, स्टेट टू वाज यूएसए। सो किसी भी एक इंडिविजुअल को बेस बना के दो इंडिविजुअल्स आपस में कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तान used to blame India कि they are involved when पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेररिज्म है उसके पीछे इंडिया है। अब उसमें हमारे हाथ कुलभूषण यादव आ जाता है, ठीक है। तो कुलभूषण यादव बेसिकली एक कमजोरी है, वीक पॉइंट है उनके इंटरेस्ट का हिस्सा है कि वो पाकिस्तान को डैमेज करें। सो उनका एक डैमेजिंग टूल है। इंसान, इंडिविजुअल, सिटीजन इस तरह के मामले में टूल्स बन जाते हैं रियासतों के, ताकि वो अपने गेम जो हैं, जो अपने इंटरेस्ट हैं, उनको मैक्सिमम तरीके से गेम हासिल कर सकें, मतलब अपने फायदे हासिल कर सकें। तो इंसानों को रियासतें टूल के तौर पे यूज करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। और फिर हमने देखा कि जैसे आईसीजे में पाकिस्तान का केस चला और तमाम चीजें थी, देयर इज नो यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स और मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वो कहते हैं एवरीथिंग इज इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज योर स्टेट। सो कहीं पर भी आपको इंसानी हमदर्दी शो नहीं करनी। अगर कोई आपका दुश्मन है, एनिमी इज ऑलवेज एन एनिमी, एंड यू मस्ट हैव टू गेन योर मैक्सिमम बेनिफिट्स बाय डैमेजिंग योर एनिमी, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रेटजी भी एक चीज है, डिप्लोमेसी भी एक चीज है। किस तरीके से स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी आपस में खेलते हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसी के रूल्स उसके अंदर मिलके बनते हैं। हम फर्दर आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के रूल्स में एक रूल ये भी होता है कि ऑल दो स्टेट्स यूज टू से कि देर इज नो कोड ऑफ एथिक्स और मॉरेलिटी इन एट दिस लेवल, लेकिन बहुत सारी चीजें आप अपने अल्टीमेट गेम्स को हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस करते हो ऑन द नेम ऑफ एथिक्स, ऑन द नेम ऑफ मॉरेलिटी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने अगर कुलभूषण यादव को आईसीजे के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वकील की एक सहूलत फराहम की थी, तो ये बेसिकली पाकिस्तान का एक मूव था जस्ट टू प्रोवाइड एन इमेज, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान टू द होल वर्ल्ड, कि देखें हाउ द वे वी आर ट्रीटिंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। हम क्योंकि दहशतगर्दी वॉर है ना एक, तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को वो इमेज दिखाया कि हम किस तरीके से अच्छे तरीके से अपने प्रिजनर्स को डील करते हैं। सेम दे हैव प्रैक्टिस्ड द वे अभिनंदन को जिस तरीके से हमने कैरी किया, उस सारे इशू को हमने उसका मैसेज रिकॉर्ड करवाया, देन अपने पार्लियामेंट के कंसेंसस से उसको बाहर वापस भेजा। ऑल्दो वी नो वेरी वेल कि एलओसी पे हमारी क्या कंडीशन है, लेकिन अगेन हमारे जो इंटरेस्ट है वो हमारे एक इंटरेस्ट ये भी है कि हम पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर सकें, ताकि हम अच्छा इस सारी चीजों का मतलब ये नहीं है कि इंडिया हमारा आर्च राइवल नहीं रहा। इन चीजों में ये चीज भी सामने आती है कि आपने दुश्मन को मारना भी है और अपना इमेज भी बेहतर करना है। आज ये चीज देख लें कि
27 फरवरी 2019 की एपिसोड के बाद पूरी दुनिया आपकी एयर सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस एंड इट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द एथिक्स एंड मॉरालिटी। अगेन हमने जिन चीजों की बात की दे वर द रूल्स, दे वर नॉट एथिक्स एंड मॉरालिटी। फर्क कहीं ना कहीं है, दुनिया उसको एथिक्स बोलती है, दुनिया उसको मॉरालिटी बोलती है, लेकिन हमने उन चीजों को अपने मकसद के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किया और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। देन ब्रांचेस ऑफ रियलिज्म की बात की हमने। क्लासिकल रियलिज्म सबसे पहली इसकी ब्रांच है, कन्वर्सेटिव थ्योरी दैट हैज कंसीडर्ड स्टेट्स द ओनली एक्टर्स एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द मिलिट्री पावर एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। क्लासिकल्स जो थे बेसिकली ये थियोसिडाइस और मैकियावेली और सुनजू, इन तमाम लोगों से गुजरती हुई पहुंची थी। सो 1945 तक के एरा तक, और इनका बेसिक मकसद ये था कि आपकी मिलिट्री जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, नो वन विल डेयर टू अटैक यू। अब ये चीज देख लें कि मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी यूएसए की, ऑल्दो यूएसए वाज नॉट इंडल्ज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल 1942, जब तक पर्ल हार्बर पर जापान ने उन पे हमला नहीं कर दिया। बट वंस देयर दैट फ्रंट वाज ओपन, उसके बाद फिर अमेरिका ने किसी को नहीं छोड़ा। और हम ये देखते हैं कि नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 में 1945 पर जिस तरह से नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक किया अमेरिका ने, उससे उसकी जो माइट थी, मिलिट्री पावर थी, वो सामने आई। लेकिन एक बात क्लियर है कि 1942 तक, पर्ल हार्बर के इंसिडेंट तक, अमेरिका वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर टू, बट दे वर एक्चुअली जस्ट प्रोवाइडिंग द मेडिसिन एंड ऑल दैट weapon to all the enemy country, to all those country fighting to each other, ठीक है। इसके बाद new realism theory emerge हुई, Knut Walsh was the pioneer of this theory। मैंने आपको कहा ना कि जब किसी theory में कुछ fault lines create होती हैं तो उनको cover करने के लिए कुछ मजीद आप जो है बेहतरी लेके आते हैं। सो 1950-60 तक, क्योंकि हमने कहा था कि ह्यूमन नेचर तो बहुत ख़राब है, अब मजीद लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, तो हम जो है यूनाइटेड नेशंस बना देते हैं ताकि मसाइल का हल हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1945 में आपकी जो वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म होती है, और दो साल के बाद ही 48 में मजीद एक जंग हो जाती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और 1950 में कोरिया वॉर शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जंगें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो किनेट वॉल्ट ने अपनी उसी इन्हीं फ्लॉज को कवर करने के लिए न्यू रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उसने ये कहा था फॉर द सर्वाइव, फॉर द सी टू सर्वाइव विद इन एन एनार्किक सिस्टम, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। पूरी अब उस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में यूनाइटेड नेशन का हम नाम देखते हैं कि तुम हमें पता है कि ये लोग बुरे हैं, खराबियां हर जगह पे मौजूद हैं और तमाम चीज़ें इसी तरह चल रही हैं, लेकिन हमें उस नार्किक सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए ऐसे लोग चाहिए कि जो बैठ के मसाइल को हल कर सकें। देन ऑफेंसिव रियलिज्म, दे एक्चुअली आर्ग्यू दैट स्टेट्स आर द पावर मैक्सिमाइजर। सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमें ताकत हासिल करनी है, ताकत बाय एनी मीन, मतलब इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है, वो मिलिट्री पावर भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की पावर हो सकती है। ऑन द पैरेलल ग्राउंड डिफेंसिव रियलिज्म इमर्ज एंड दे फोकस ऑन द सिक्योरिटी। वो कहते हैं आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिक्योर योर सेल्फ इनफ कि कोई आप पर हमला करने का सोचो ही ना, आप खुद को इतना स्ट्रांग कर लें। अब हम ये देखते हैं कि चाइना जो है वो बेसिकली डिफेंसिव रियलिज्म को फॉलो किए हुए हैं, पाकिस्तान भी somehow, क्योंकि पाकिस्तान उस तरह से स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। अपने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द बहुत माइटी कंट्रीज मौजूद हैं, हमारे एक साइड पे इंडिया मौजूद है, ऑल्दो इज आर ट्राइबल, हमारे साथ 5 जंगें भी उनकी हो चुकी हैं, लेकिन साइज में, पॉपुलेशन में और अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें हमेशा डिफेंसिव मोड पे ही रहना पड़ा। उन्होंने एटम बम जो है वो क्रिएट किया, तो हमने ऑन डिफेंसिव ग्राउंड अपने दिफा के लिए हमने भी एक बम जो था उसको बना लिया था। ओवरऑल ये ऑफेंसिव डिफेंसिव जो रियलिज्म है, इसकी फर्दर हम जिस वक्त एप्लीकेशन इन तमाम थेरीज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखेंगे या हम बैलेंस ऑफ पावर में देखेंगे तो यही चीजें रिपीट हो रही होंगी, आपको बहुत अच्छे से तब समझ आ जाएगी। देन
एक और इम्पोर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है जो कि है कि रियलिज्म में 3S सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, कि रियलिज्म जो है अपने 3S 3S के थ्रू चलती है। उसका सबसे बड़ा फोकस जो है वो स्टेटिज्म है, देन सर्वाइवल और उसके बाद सेल्फ हेल्प। हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटिज्म की तरफ। स्टेटिज्म इज द सेंटर ऑफ द पीस ऑफ रियलिज्म। दिस इन्वॉल्व्स टू क्लेम। सबसे पहले ये चीज था कि स्टेट इज द प्री एमिनेंट एक्टर एंड ऑल अदर एक्टर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर लेजर सिग्निफिकेंट। सबसे ज्यादा सुप्रीम चीज जो है वो स्टेट है, और बाकी जितने इंसान हो गए और जो उसके अंदर के अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, हुकूमतें हैं, ये सारी की सारी माइनर चीजें हैं, इनको इतनी इंपॉर्टेंस हासिल नहीं है। स्टेट इज एवरीथिंग। दूसरे नंबर पे जो इनका क्लेम था वो ये था कि सॉवरेनिटी सिग्निफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी, वन दैट इज जुडिशियल अथॉरिटी ओवर इट्स टेरिटरी। अपनी रियासत के जो रकबा है उसके ऊपर आपका अपना हुक्म चलना चाहिए, कोई बाहर से एंटिटी उठ के आपको डिक्टेट ना करे। ठीक है, मतलब ये था कि एक तो आप सबसे ज्यादा सुप्रीम है आपकी रियासत, और दूसरा आपकी रियासत किसी आउटर इन्फ्लुएंस से आजाद होनी चाहिए, किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी आपने, और आप अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं, अपने डिसीजंस में आप फ्री हैं। इस चीज पे स्टेटिज्म पे सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म था वो इसका एम्पिरिकल चैलेंज था। मतलब स्टेट जो था वो अपने से ऊपर किसी को नहीं कुछ समझ रही और अपने से नीचे किसी को कुछ देख ही नहीं रही। ऑन दोस नॉर्मेटिव ग्राउंड्स द इनएबिलिटी ऑफ द सॉवरन स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड द कलेक्टिव ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज फेमाइन योर लाइक अर्थक्वेक वगैरह, इस तरह की चीजों पर स्टेट ने दूसरी स्टेट के उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं करना किया, तो जिसकी वजह से स्टेटिज्म को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। दूसरे नंबर पे जो 3S है वो है आपका सर्वाइवल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्टेट जो है वो तो चल ही नहीं सकती अगर वो सर्वाइव ही ना करे। अगर उसके सर्वाइवल को कुछ थ्रेट है तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन डेंजर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका सर्वाइवल ही था, और इस पे सबसे ज्यादा की क्रिटिसिज्म ये हुई कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट एक्शन स्टेट कैन टेक इन द नेम ऑफ द नेसेसिटी। जो हम कहते हैं हमारी बका बहुत जरूरी है, हमें अगर अपनी जिंदगी के या जान के लाले पड़े हुए होंगे हमने अगला कोई काम ही नहीं करना, लेकिन आप अपनी हिफाजत कहाँ तक कर सकते हैं, ये जो कहाँ तक की एक लिमिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर्वाइवल पर। उसके बाद सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प एज वी नो के स्टेट्स जो हैं उससे ऊपर कोई नहीं था, लेकिन नो स्टेट कैन सर्वाइव अलोन। उसको अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरी स्टेट पर डिपेंड करना पड़ता है। आप अपनी तमाम चीजें मुल्क की इस्तेमाल की, आप अपने मुल्क में खुद तो नहीं ना ग्रो कर रहे, तो डेफिनेटली इफ यू नीड एनीथिंग टू ईट, इवन आपको आपके मुल्क में कोई चीज कम पड़ गई है, आपको दूसरों से हेल्प लेनी है, तो कोशिश ये करें कि आप मैक्सिमम खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो। हम ये देखते हैं कि कोरोना की इसमें बेस्ट एग्जांपल है। तमाम स्टेट्स ने अपनी बॉर्डर्स बाउंड्रीज ये बंद कर दी, ट्रेड्स बंद हो गई, हर चीज इफेक्ट हुई थी आपकी कोविड की वजह से। तो इस तरह की सिचुएशन में तमाम स्टेट्स ने सेल्फ हेल्प जैसी चीज को जो सिग्निफिकेंट एक एलिमेंट था, हम जानते हैं कि हमने रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं इस बीमारी से उसी वक्त बच सकते हैं जब आप लेस कांटेक्ट करेंगे। लेस कांटेक्ट का मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है आपने उसी में सर्वाइव करना है। ठीक है, सो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम हो या आपके रीजनल सिक्योरिटी या कम्युनिटी की बात हो, तो आपने प्रेफरेंस ये करनी है कि अपने बाजू के ऊपर आपने लड़ना है और अपने मसाइल को खुद हल करना है। सो एट द एंड ऑफ लेक्चर दीज आर ऑल द रेफरेंसेस जहां से आपका ये लेक्चर कवर हुआ है। आप इसके थ्रू या आपको अगर रियलिज्म पर बहुत कोई अच्छा मटेरियल मिल जाता है तो अपने क्लास फेलो से भी शेयर कीजिए। मैंने आपका ये लेक्चर इन तीन रीडिंग से बनाया है, आप लोग इजीली इस चीज को पढ़ सकते हो। कोई आप लोगों का सवाल हो तो प्लीज आप लोग वो सवाल कर सकते हो, ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो, जो अगर हो तो वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।